अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो ये है बेसन और इसमें जो है वो मैंने डाला है पिसा हुआ सूखा धनिया, नमक और लाल मिर्च, बस इसके अलावा कुछ नहीं डाला। और उसके बाद जो है ये इस तरह से लंबे लंबे से इस शेप में इतने ठीक हमने चिप्स आलू को काट लिया है और उसके बाद इसको इस तरह से इसके अंदर कोट करते जाएंगे। ये देखें ऐसे ये इसको इस तरह से कोट कर लेना है और इस तरह से जो है इसमें हमने घी में छोड़ देना और इसको फिर जो है बस हमने फ्राई होने देना। एक मिनट बाद हमने इसको इस तरह से थोड़ा सा हिलाना है, पलटना है ताकि सारी साइड से ये पक जाए। ये जो है गाइस यहाँ पे ये देखें ब्राउन हो गए हैं और सारे चिप्स हमने ले लिए हैं। ये देखें ये कितने क्रिस्पी और मज़े के लग रहे हैं।